फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको आपकी रिटर्न खुद फाइल करनी है तो आप कैसे फाइल कर पाओगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन होंगे तो वो ITR 1 में अपनी रिटर्न डालेंगे और असेसमेंट ईयर हमारा कंसिडर होगा 2019-20। तो आपको कैसे रिटर्न फाइल करनी है देखते। तो पहले इसके लिए तो आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है incometaxindiafiling.gov.in, उसके ऊपर आपको आना है। और उसके बाद उसके अंदर राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी लॉगिन हियर। तो लॉगिन हियर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे समझ लीजिए, आप जैसे ही लॉगिन हियर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे डिटेल मांगेंगे आपके पास से, जहाँ पे आपको आपका पैन नंबर, पासवर्ड और जो भी कैप्चा कोड है वो आपको डाल देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी डिटेल देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आगे वाला पेज है वो लोड होगा। लोड होने के बाद आपको कुछ डिटेल्स ऐसी कुछ देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है नए रिटर्न के लिए। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर आपका सिलेक्ट करना है, बाद में आपका जो ITR का टाइप है वो सिलेक्ट करना है, ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए, और ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट करोगे आप और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन मोड में आप रिटर्न फाइल करोगे। और ये जो बैंक की डिटेल मांगी जाएगी आपके पास, ये बैंक की डिटेल आपकी जो लास्ट वाली डिटेल दी होगी रिटर्न में वो दिखाई देगी। यहाँ पे आप टिक कर दोगे और कंटिन्यू करोगे और ये वाला मैसेज पे आप अग्री करके कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ ऐसी डिटेल देखने को मिलेगी। ये है आपका रिटर्न फाइलिंग के जो भी शेड्यूल है वो यहाँ पर मैंसन किए होंगे। इंट्रोडक्शन में कैसे रिटर्न फाइल करना है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है, ये टाइमर यहाँ पे लगा हुआ होगा, वो 15 मिनट चलेगा। 15 मिनट के बाद आपको सेव ड्राफ्ट 15 मिनट से पहले करना है ताकि वो जो डिटेल है वो सेव हो जाए। अच्छा, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपका जो नेम है, एड्रेस है, आपका जो आधार कार्ड है वगैरह, वो डिटेल अपने आप फीड होकर दिखेगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अदर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तभी अदर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ जो एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइलिंग टाइप, फाइलिंग A20 में आप देखोगे तो वो आपको बताना है कि आपका बिफोर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो या कोई कॉन्वर्जन डिले। आपको अगर ड्यू डेट के अंडर फाइल कर रहे हो तो बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करना है और सेव ड्राफ्ट कर देना है ताकि हमारा जो टाइमर है वो फिर से 15 मिनट लग जाए। ओके, जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट करोगे कुछ टाइम लेगा वो सेव करने के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल पे जाने के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट शेड्यूल में आ जाओगे। वो वाला शेड्यूल है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स। तो आपकी सैलरी की जो भी डिटेल होगी, आपका सेक्शन 17-1, 17-2, 17-3 जो फॉर्म 16 में मेंशन होगा वो हिसाब से आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपके जो एग्जेम्पशन होंगे वो भी फॉर्म 16 में मेंशन होंगे, तो वो सारी डिटेल है आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जो भी एग्जेम्पशन है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 वो आपको चूज़ करना है। और अगर कोई नहीं है तो एनी अदर करके उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और अमाउंट यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 फीड करनी है। तो वो जो भी मिलेगा आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट वो निकाल के आपकी नेट सैलरी अपने आप मिल जाएगी नीचे। नेट सैलरी अपने आप पॉपुलेट होगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 अपने आप मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा और प्रोफेशनल टैक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 होता है तो वो भी आपको फीड करना है। ओके, अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स है वो आपको डाल देनी है आपकी 2400, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 हो सकती है, 2400, 600, जो भी फॉर्म 16 में मेंशन किए हो वैसे। और इनकम जो भी है वो नीचे पॉपुलेट होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल है इसमें से आपको तीन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा होगा लेट आउट, तीसरा है डीम्ड लेट आउट। तो जो भी एप्लीकेबल है, ये वाली जो पूरी डिटेल्स है वो आपको देखने के लिए
मैंने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के जो वीडियो है वो डाल रखे हैं, तो वो मैं आपको ऊपर लिंक भी मैंने, आप देख सकते हो ऊपर के साइड पे, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप हाउस प्रॉपर्टी की और सैलरी की, तो वो भी दोनों हेड में कौन सी डिटेल्स कैसे फीड करनी है और उसका कैलकुलेशन क्या है वो सारा बताया गया है। तो वहाँ से आप वो डिटेल वो वीडियो को देख के आप ये वाली डिटेल को फीड कर सकते हो। ओके, अगर इतना कुछ आपको आपने देख लिया है, ये समझ में आ गया है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी मीन्स आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो यहाँ पे डाल देनी है अकॉर्डिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी वीडियो। अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो वहाँ पे डालनी है, ये जो भी डिटेल है वहाँ पे डालनी है। आपकी जो GAV होगी, आपकी जो रेंट आप जो कलेक्ट करते हो पूरे साल की वो है, उसके अंदर से जो आपके म्यूनसिपल टैक्स डिडक्ट होते हैं वो 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप मिल जाएगा। और अगर आपने घर पे कुछ लोन ले रखी है तो लोन की जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। और आपका जो पिछले साल का अगर कोई एरियर्स रह गया है रेंट का, तो उसमें से 30% डिडक्ट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको ये टोटल इनकम मिलेगी जो भी वो बोली जाएगी, इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये भी इनकम आपको मिल जाएगी। ओके, लेटर ऑन आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है उसकी डिटेल डालनी है। अगर आपकी कोई बैंक में कोई इंटरेस्ट वगैरह FD वगैरह रखी हो, इसका इंटरेस्ट आता है, या रिफंड वगैरह कुछ हुआ है आपका इनकम टैक्स का, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। देखिए कुछ ऑप्शन आपको दे भी रखे हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको एनी अदर सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में बता देना है वो कौन सी इनकम है। अमाउंट आपको डाल देना है जो भी है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी वीडियो हमने बना रखी है, तो वो भी मैंने ऊपर लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो उसमें से कौन से डिडक्शन मिलेंगे, वो भी हमने उसी वीडियो में बता रखा है। ग्रॉस टोटल इनकम तीनों को मिला के आपको यहाँ पे मिल जाएगी तीनों हेड की। देन चैप्टर 6 के जो डिडक्शन होते हैं 80 फैमिलीज़ के, वो कैसे क्लेम करने हैं वो भी मैंने आपको ऊपर एक लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कैसे डिडक्शन क्लेम करने। ये सारे जो डिडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू वो वीडियो के अकॉर्डिंग टू फीड करने के बाद आपको ये जो रिपोर्टिंग पर्पज़ की आपकी जो इनकम है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप कौन सी इनकम आपको मिली हुई है, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम और कोई इनकम आपको मिली है, तो वो रिपोर्टिंग पर्पज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा देना है। उसके ऊपर कोई टैक्स क्लेम नहीं होगा, लेकिन आपको दिखानी पड़ती। और उसके बाद जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो अपने हिसाब से ऑटो पॉपुलेट होगा, कितनी टैक्सेबल इनकम है, क्या रिबेट मिला है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, उसको मिला के जो टैक्स बनती है वो दिखाई देगी। अगर रिलीफ है कोई एरियर्स वगैरह आपका मिला हुआ है पिछले साल का, तो उसमें आपने 10E फॉर्म फाइल किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल डालनी है। आपका इंटरेस्ट अगर कोई बनता है ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो वगैरह, तो वो यहाँ पे अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, लेट फीस की बात करूँ तो वो 1,000-5,000 अकॉर्डिंग टू अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी तो 5,000 पेनल्टी रहेगी, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा क्रॉस टोटल इनकम रहेगी तो 1,000 जो लेट फी है वो तो लगने ही वाले है, तो अपने आप वो पॉपुलेट होगी अपने हिसाब से। अगर 2.5 लाख से कम है आपकी इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी। उसके बाद आपको इसे सेव ड्राफ्ट करना है, जो भी टोटल टैक्स होंगे वो आपको दिखाई देगी। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप नेक्स्ट जो शेड्यूल है उसके ऊपर जाओगे, तो ये पूरे शेड्यूल है TDS के लिए, TCS के लिए। ये TDS यहाँ अपने आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो भी TDS कटी होगी वो यहाँ पे अपने आप फीड हो जाएगी। वो थी सैलरी के लिए, ये अदर देन सैलरी जो TDS होगी वो यहाँ पे पॉपुलेट होगी अपने हिसाब से। आप जैसे रिफ्रेश करोगे ये सब फीड हो जाएगा आपने। अगर आपकी रेंट पे कोई प्रॉपर्टी आपने ले रखी दे रखी है, तो आपके 50,000 से ज़्यादा मंथली रेंट होगी तो आपका TDS कटेगा, वो यहाँ पे दिखाई देगा। और वैसे ही TCS कटी होगी और आपने कोई टैक्स पे कर दिया होगा पहले से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन आपको नेक्स्ट जो शेड्यूल है उस पर मूव करना है, वहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल अपने आप पॉपुलेट होगी, क्या एडवांस टैक्स आपने पे किया है, TDS कितना क्लेम किया है, कितना रिफंड बनता है वगैरह अपने आप से दिखाई देगा।
अच्छा, कोई टैक्स पे करनी बाकी होगी तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, ग्रीन वाला एक टैब होगा उसमें दिखाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखी है तो यहाँ पे नहीं दिखाई। आपकी बैंक की डिटेल जो हमने पहले सिलेक्ट की थी वो अपने आप दिखाई दे रही है। अगर कोई और भी बैंक अकाउंट्स है तो आप यहाँ से ऐड से डाल सकते हो। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है उसमें आपको वेरिफिकेशन करके यहाँ पे सेल्फ डालना है, यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है और सेव ड्राफ्ट कर देना है, ताकि हमारा जो टाइमर है 15 मिनट का वो ओवर ना हो जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल में जाना है। ये वाला शेड्यूल है ATG का, तो ATG के डिडक्शन कैसे क्लेम करने हैं वो चैप्टर 6 के डिडक्शन में हमने वो वाली वीडियो बना रखी है, तो आप वो लिंक ज़रूर देख लेना तो आपको पता चलेगा कि ये सारे डिडक्शन कैसे क्लेम करने। वैसे ही उसके बाजू वाला भी जो ATGGA का जो जो शेड्यूल है वो भी साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको कैसे डिडक्शन क्लेम करने हैं वो भी आप वैसे ही कर पाओ। यहाँ पे देख सकते हो ATGGA और ATG दोनों टैब में कैसे डिटेल डालनी है वो आप चैप्टर 6 का जो हमारा वीडियो है वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट करना है, तो आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा। वो प्रीव्यू देखने के बाद जस्ट आपको प्रीव्यू देखने के बाद सब चेक कर लेना है कि आपने आपने जो डिटेल डाली है वो सही है, और देन आपको सबमिट करना है, तो आपका रिटर्न ऑनलाइन आपका जो भी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा, आपका जो भी रिटर्न होगा वो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद वो अपलोड हो चुका है, अब उसको सिर्फ आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। ई वेरीफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर से रिटर्न के व्यू रिटर्न्स के टैब में जाना है और वहाँ पे आपको एक ई वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेड फॉन्ट में होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप आधार OTP से डिजिटल सिग्नेचर से आपके रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाओगे। ई वेरीफाई करोगे मीन्स आपने आपका रिटर्न देख लिया है, वो सही है, सब समझ लिया है और आपने उसको अप्रूवल दे दिया है, तो ये होने के बाद वो रिटर्न ई वेरीफाइड हो जाएगा। ई वेरीफाइड होने के बाद वो अपने हिसाब से प्रोसेस भी हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल थी कैसे आपको आपका रिटर्न फाइल करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।